हेलो, मैं एएस राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ सारस्वत स्टैंडर्ड टाइपिंग क्लासेस की तरफ से। इंग्लिश की जो क्लासेस है उसमें तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपने पास पैसिव वॉइस। आपकी बाकी की जो क्लासेस हैं वो दीपिका मैम ने ली थी, कुछ क्लासेस जो है वो मैं लूँगा। तो आप इसमें प्रिपेयर रहे हैं कि कुछ क्लासेज दीपिका मैम की नहीं होंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पैसिव वॉइस को। तो पहले ही बताना चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो पोस्ट हो तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए उसका, और लाइक कीजिए ताकि जो भी अच्छा कार्य किया जा रहा है वो और मोटिवेट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बात होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। देखिए, आप इसमें वर्ड से समझ सकते हैं तो कि यहां एक्टिव है मतलब क्या है, कोई भी काम में एक्टिवनेस है या फिर किसी चीज को बोलने में क्या है एक्टिवनेस है। और पैसिवनेस मतलब क्या होगा, पैसिव मतलब एनर्जी कम है या फिर कोई डायरेक्ट नहीं है काम। एक्टिव मतलब कोई भी काम डायरेक्टली लिंक्ड है किसी चीज से, और पैसिव मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं है, समझ आया। अगर अपन एक्टिव और पैसिव वॉइस, वॉइस मतलब बोलना, ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या निकलेगा। एक्टिव मतलब होता है जब डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट, कोई भी करता, जब कोई डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है ना, तब क्या कहलाता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, जब किसी एक्शन पे जो काम कर दिया है किसने, सब्जेक्ट ने, उस काम पे फोकस करें अगर अपन तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। समझ रहे हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया गया तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। मतलब अपन फोकस किस पे कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर अपन फोकस कर रहे हैं किस पे, एक्शन पे, जो काम किया गया है उस पे अगर अपन फोकस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका, राम किल्ड रावण, किसने किया काम, राम ने किया, ठीक है। सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया किस पे, रावण पे किया, और वर्ब क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस अपने पास रावण वॉज किल्ड बाय राम, मतलब एक्शन क्या हो रहा है, किल का, और वो किस पे रहा है, सब ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आएगा, हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस कहां से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किसी सेंटेंस में, जैसे एक सेंटेंस आपके पास बर्ड्स फ्लाई, अब इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या आप इसमें इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको किसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप उसको तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। इस सेंटेंस में देखिए, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अपन जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में लेंगे, और वर्ब तो बीच में या कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है। तो ये एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का पैटर्न रहेगा। अब अपन देखते हैं पैसिव को अपन यूज कहां करते हैं, ठीक है। तो पैसिव का प्रयोग कहां किया जाता है, कहां होता है, पहला पार्ट है जब क्रिया स्वतः नहीं होता बल्कि उसे किया जाता है, मतलब कोई भी काम खुद से नहीं हो रहा, कोई उस काम को कर रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो उस काम को कर रहा है, तब क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस कब होगी, जब कोई काम अपने आप हो रहा है तब क्या होगा, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस मतलब क्या होगा, कोई भी काम जब कोई कर रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल देखिए इसका, टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सिलोन। अब यार टी के लिए क्या हो गया, इसमें मेन सब्जेक्ट हो गया, तो टी खुद ग्रो कर रही है यहाँ पे, कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि कोई और इसको ग्रो कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस नहीं मतलब करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को देखो एक बार, टी इज ग्रोन बोथ इन आसाम एंड सिलोन, मतलब टी को ग्रो किया जाता है, मतलब यहाँ पे आप सेंटेंस से श्योर हो सकते हैं कि इस काम को कोई और कर रहा है, टी खुद ग्रो नहीं हो रही है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा, जब इसमें काम कोई और कर रहा है। देखो टी इज ग्रोन, थर्ड फॉर्म आ रही वर्ब की, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ग्रो, खुद के लिए हो रहा है, टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सिलोन, मतलब टी खुद ग्रो कर रही है, तो जब कोई काम खुद हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस में आएगा, पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। बट जब काम को कोई और कर रहा है, टी इज ग्रोन बोथ इन आसाम एंड सिलोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, चाहे किसी और के द्वारा बोई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा कब होगा कि पैसिव वॉइस होगा, सेकंड अपने पास जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, यानी घटना, मतलब किसी काम का होना इंपॉर्टेंट हो, ना कि कब हो रहा है वो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, मतलब क्या किया गया, काम क्या हो रहा है कि उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। यहाँ काम ये नहीं हो रहा कि इसको लेट लेके जा रहे हैं या जल्दी लेके जा रहे हैं, मर गया, नहीं,
काम ये इंपॉर्टेंट है, ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल। इसको देखिए, इतना जो सेंटेंस है इस पे गौर कीजिए, सॉरी इस सेंटेंस पे गौर कीजिए इतने पे, कि काम हो रहा है, उसको ले जाया जा रहा है। एक होती कंडीशन की है उसको ले जाया नहीं गया, वो मर गया। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको ले जाया गया है, उसके बाद में फिर उसको कहा गया कि यहाँ पे मरा हुआ लाया गया। तो ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। बात पे गौर कीजिए कि पैसिव वॉइस कब होगा, जब कोई काम को कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे जो घायल था उसको ले जाया गया, मतलब कोई तीसरा ही बंदा उसको लेके गया है हॉस्पिटल। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसको देखिए, इस वाक्य में घटना महत्वपूर्ण है, यानी किसी दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना और उसे मृत घोषित किया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आया, किसी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, यहाँ पे क्या है, ले जाना इंपॉर्टेंट है, ना कि डेड उसको घोषित करना या फिर लिविंग है वो डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि उसको ले जाया गया किसी के द्वारा। तो यहाँ पे जब भी पैसिव वॉइस होगा तो क्या होगा, कोई दूसरा ही इंसान कोई काम को कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास, जब कर्ता का पता नहीं हो, ये महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता ज्ञात हो, मतलब क्या है कि अपने पास श्योर नहीं है कि काम करने वाला है कौन, आखिरकार श्योर क्या नहीं है कि काम कर कौन रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि अपन पता नहीं चलेगा कि कौन करने वाला है काम, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं, कर्ता ज्ञात हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीपल वर रीएलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेज। अब किसको, अब देखो पीपल को ले जाया जा रहा है कहां से, कहीं दूर ले जाया जा रहा है, कहां से, फ्लड अफेक्टेड विलेज से, जहां बाढ़ आ गई उस गांव से लोगों को कहीं और ले जाया जा रहा है। अब देखिए हाँ, आपको भी नहीं पता कौन ले जा रहा है, आर्मी ले जा रही है या सिविलियन से लेके जा रहे हैं या और कोई लेके जा रहा है। तो यहाँ ये श्योर नहीं है कि ये काम कर कौन रहा है, बट ये श्योर है कि किस पे किया जा रहा है। समझ में आई, तो पीपल पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, पीपल इंपॉर्टेंट हो गया, ना कि वो इंपॉर्टेंट हुआ कि कौन लेके जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो अब अपन देखेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में कि अकॉर्डिंग टू अलग अलग टेंसेज में कैसे एक्टिव और पैसिव को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनेट टेंस, या फिर जो सिंपल टेंस होता है उसमें कैसे यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो आप फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉर्मल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में है ये, गौर कीजिएगा कि ये एक्टिव वॉइस में है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इस चीज को रट लेना कि यहाँ पे जब भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ये दिया हुआ है और अपने को उसको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान, जब भी पैसिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप चारों सेंटेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे चारों में ऑब्जेक्ट पहले। तो अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आप सब्जेक्ट को तो बाद में लेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे। अब ऑब्जेक्ट के बाद अपन चेंज करेंगे वर्ब को, तो यहां सबसे पहले लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी लगती है, इज, एम एंड आर। फिर इसके बाद हमेशा पैसिव फॉर्म में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फिर लास्ट में आ जाएगा बाई एंड सब्जेक्ट। तो गौर यहां ये फरमाना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। इस चीज को बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग देखिए, अब यहां है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन जानते हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। सेम थिंग यहां करनी है, पहले अपन ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है अपने पास्ट में वाज वर्ब, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फ्यूचर की एक्टिव फॉर्म में अगर अपन फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर अपन किसी भी सेंटेंस को देखें जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो वो क्या होगा, उसमें शैल विल होगा हमेशा प्रेजेंट, और सब्जेक्ट पहले होगा और ऑब्जेक्ट बाद में होगा। बट अगर अपने को इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वही ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेम की सेम रहेगी, शैल विल प्लस इसमें बी एक हेल्पिंग वर्ब और जुड़ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा पैसिव में, प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास मॉडल, मॉडल होते हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, आप सब जानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो अपने को इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, करेंगे अपन, सब ऑब्जेक्ट पहले आता ही है हमेशा पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो मॉडल आ जाएगा, उसके साथ बी की फॉर्म लग जाएगी, जो बी की फॉर्म फ्यूचर में लगी वही मॉडल में लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉन्स्टेंट है यहाँ पे भी, बाई भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है।
तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि सबसे पहले जब भी अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या आएगा बाद में आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी, और हमेशा क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है किसमें, पैसिव में, और बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये था इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे इसके चेंज द वॉइस, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड हिम, अभी सेंटेंस में गौर कर दो, पुलिस सब्जेक्ट अरेस्टेड हो गया वर्ब, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या हो गया ये पास्ट हो गया हिम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट को अपन इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही के बाद आएगी अपने पास हेल्पिंग वर्ब, देखो पास्ट है तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या फिर वर्ब, अब सिंगुलर है तो आ जाएगा वाज, और अरेस्टेड क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगी। अब आप आगे अगर इसमें लिखना चाहें बाय पुलिस तो भी सही है, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। आया है सेंटेंस हमने, सेकेंड सेंटेंस देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस है अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पीपल हो गया सब्जेक्ट, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास यहाँ पे इंग्लिश, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, इस देखो पैटर्न को देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, फॉर्म आएगी कोई भी हेल्पिंग वर्ब की तो इज आ गया सिंगुलर, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपन फिर स्पीक को, तो स्पीक हो गया स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, समझे। इस सेंटेंस को फिर से गौर से देखो, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लेके आए, फिर अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और फिर बाकी ऐसा कैसा सेंटेंस लिख दिया, समझ गए। नेक्स्ट अपने पास ए टीचर टीचेस इंग्लिश हियर, ये भी क्या हो गया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, इसको अगर अपन कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट हियर। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म आएगी सिंगुलर इसलिए इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टॉट और हियर, समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस है नो वन डिजायर रायट्स, रायट्स मतलब होता है दंगे, ये भी क्या है नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करके क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा रायट्स, रायट्स सबसे पहले आ गया, फिर अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे इसमें से कोई सी, ये प्लूरल है इसलिए अपन क्या लेंगे आर नॉट डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब होगा थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, मेन वर्ब की डिजायर की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, समझ ये कौन सा, आई विल नॉट, विल मतलब हो गया ये वाला सिंपल फ्यूचर टेंस वाला। अब देखो पहले इसकी फॉर्मेशन देखो, आई मतलब सब्जेक्ट, विल हो गया अपने पास क्या मॉडल, या फिर आप इसको कह सकते हैं नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब, टॉलरेट मतलब होगी इसकी यहाँ पे वर्ब, दिस नॉनसेंस हो गया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट। अब अपन सबसे पहले लेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले दिस नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस का शैल या विल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो विल आ गया, नॉट इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नॉट लगाया अपन ने, और बी की फॉर्म आ गई तो बी आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड बाय मी, तो सेंटेंस को देखो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, समझ में आया। तो यहां से आपने क्या सीख ली कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, इसमें कोई काम का नहीं है, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, जैसे देखिए फिर भी पढ़ देता हूं आपके लिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस 123, इनका सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो। पहले का एक्सप्लेनेशन, कुछ क्रियाएं निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा की जाती हैं, ऐसे वाक्यों में एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट का प्रयोग करें जो सामान्यतः वह कार्य करता है, इसको कोई नहीं छोड़िए। ये देखिए बी या उसके फॉर्म्स अगर मेन वर्ब के स्थान पर हो तो वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता। देखिए यहां जब भी बी की कोई फॉर्म आई, जैसे ये बी आया, तो यहां क्या है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, मेन वर्ब यहाँ पे ऑल गुड भी है, दिस नॉनसेंस विल नॉट, ये क्या होगी यहाँ पे मेल वर्ब होगी, और टॉलरेटेड भी क्या होगी वर्ब होगी, ठीक है। यहाँ पे विल सॉरी हेल्पिंग वर्ब ये है, इसकी यहाँ पे टॉलरेट होगी मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो जब भी अगर बी किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, देखिए जैसे यहाँ पे ही शुड बी पोलाइट, तो यहाँ पे बी क्या आ गई मेन वर्ब होगी, तो आप इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। या फिर बी का ही फॉर्म है एम, तो एम को भी आप क्या नहीं कर सकते, किसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर बी की कोई भी फॉर्म इज एम आर वॉज वर, ये सब अगर मेन वर्ब की फॉर्म में आ जाए तो आप सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसमें पैसिव में नहीं कर सकते।
नेक्स्ट देखिए अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में अपन कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही पैटर्न है। अगर अपन एक्टिव में बात करें तो एक्टिव में होता है सब्जेक्ट पहले, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आई एन जी आएगा। अब अगर अपने को इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले अपन वही ऑब्जेक्ट लेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा ये जुड़ जाएगा कि बीइंग और जोड़ दिया जाएगा। किसमें, कंटिन्यूअस टेंस में अगर अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या अपन ऐड करेंगे, बीइंग और ऐड कर देंगे। फिर बाद में वही कॉमन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होगी ही होगी, बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर अपन पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये नॉर्मल एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। नेक्स्ट अपने पास इसमें अगर पैसिव में कन्वर्ट करें तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट तो आएगा आएगा पहले, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, बींग अपने को कंटिन्यूअस टेंस इसलिए ऐड करना ही है, बाकी बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ओनली इसमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस को ही अपन चेंज कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कुछ चेंज द वॉइस। ठीक है, जैसे एग्जांपल द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। पहली बात, लुकिंग है मतलब कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा और इज है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब क्या है, अपन इसमें सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें द मैटर, तो अपन सबसे पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, तो द मैटर। ठीक है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद श्योर है कि अपने को बींग लगाना है, बींग के बाद क्या आएगा, लुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या होता है कि लुक्ड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है इनटू, लुक्ड के साथ क्या है, इनटू फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो बाय द कमिटी। समझ में आया, सबसे पहले अपन लेंगे, समझा, तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब, फिर बींग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन को पैसिव वर्ब में लगाना ना बोले, क्योंकि इनटू क्या है, लुक्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, या प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपने पास में, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, दे आर लाफिंग एट यू। आर है मतलब सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है लाफिंग में। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले यू, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर, फिर बींग, लाफिंग का लाफ्ड, लाफ्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है एट और बाय देम। मतलब वही पैटर्न है, सबसे पहले आप पैसिव वॉइस में लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बींग लिया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होता है कुछ कुछ, और फिर बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले इसको पहचानिए, टेंस कौन सा है इसमें, द एक्यूज्ड इज बींग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब देखो इसमें ऑलरेडी बींग आ रहा है, मतलब क्या है, ये सेंटेंस पैसिव वर्ब में ऑलरेडी है, अपने को इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एक्टिव वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो एक्यूज क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, और कोर्ट क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी हाँ कोर्ट हो गया यहाँ पे, नहीं कोर्ट नहीं, यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे क्या हिडन है, क्योंकि पुलिस ही किसी कल्प्रिट को या फिर किसी चोर को किसी एक्यूज को प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें जो है इसमें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जैसे ऐसे सेंटेंस है, चोरी वाले, थेफ्ट वाले, कोर्ट वाले, इनमें पुलिस ही काम करेगी। तो सेंटेंस देखिए, द पुलिस आर, पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, आर प्रोड्यूसिंग, सिंपल लग रहा है, आर के साथ क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। तो ये अपन ने इसे क्या कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव में था, इसमें बींग लगा हुआ है इसलिए, और अपन ने बींग हटा दिया यहां से, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सेंटेंस, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बींग डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज। यहां पे भी आपने गौर फरमाइएगा कि यहां पे भी बींग दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। अपन इसको क्या करेंगे, फिर से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा द रिवोल्यूशनरीज, द रिवोल्यूशनरीज प्लूरल है इसलिए आर, कंटिन्यूअसली से डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। मतलब क्या हो गया कि वापस अगर अपने को पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो वही फॉर्मेट अपन लेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी की वर्ब, फिर नॉर्मल आप बाय सब्जेक्ट लगा सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू वर पास्ट हो गया, नॉट टेकिंग कंटिन्यूअस है, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का है ये सेंटेंस। अपन इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, इसमें बींग नहीं है, मतलब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। देखिए द एग्जाम हो गया मेन ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट लगाएंगे इसमें, बींग लगना है ही फिक्स, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन,
सीरियसली बाई यू, समझ में आया पैटर्न, आप इसको समझ रहे हैं उस चीज को जो ये चीज दी हुई है, ये अच्छे से आपको मेमोराइज होनी चाहिए तभी आपको ये चीजें याद रह पाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन परफेक्ट टेंस में कैसे यूज किया जाता है इसको। परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस में देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दी हुई होती है। इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज करेंगे अपन इसको, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव का कॉमन रहेगा प्लस इसमें लग जाएगा बीन। अगर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो लग जाएगा बीन, और अगर अपने को किसमें कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होता है पैसिव को तो वो लग जाता है बीइंग लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें कॉमन होगी ही होगी, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। सेम आप पास्ट परफेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ भी अपन क्या ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड, ऑब्जेक्ट पहले आएगा ही आएगा फिर उसमें हेड हो जाएगा। बीन इसमें लगाना है, बीन किसकी पहचान है, परफेक्ट टेंस की पहचान है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में वही सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव फिक्स है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल विल, फिर हैव आएगा अपने फिक्स होना ही है, किसकी पहचान है परफेक्ट टेंस की बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अगर अपन मॉडल की बात करें, देखो मॉडल में क्या होता है, वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई मॉडल होगा, कैन कुड शैल शुड विल वुड यूज्ड टू वगैरह कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद अपन हैव लगाएंगे, लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में होनी ही है और ऑब्जेक्ट होगा, तो मतलब किसका है ये मॉडल परफेक्ट टेंस का है। इसको अपन को कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो अपन स्टार्ट किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मॉडल, मॉडल के बाद में हैव होना ही है, और परफेक्ट में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होती ही है और बाय सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखिए Who has seen him? Who has seen? Has मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस में, seen मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब एक्टिव वॉइस में है। अब अपने को इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, Who कन्वर्ट होता है बाई whom में, तो बाई whom कोई भी एक क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। ही बीन सीन, ही हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले, और यहाँ पे बीन लगना ही है परफेक्ट में, और सीन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, एक्टिव वॉइस में है ये न्यूज हैज की बात करें अपन तो ये हो जाएगा अपने वर्ब किसको किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सॉरी सिंपल नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट से अपन शो कर रहे हैं हैज और सरप्राइज से अपन शो कर रहे हैं परफेक्ट टेंस, तो अस, ठीक है। अगर अपन इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो वी हैव, यहाँ पे अस को कन्वर्ट किया वी में, हैव होगा ही होगा किसका परफेक्ट टेंस का, बीन लगाएंगे क्योंकि अपन परफेक्ट को चेंज कर रहे हैं पैसिव में, सरप्राइज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एड क्या है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, द न्यूज क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम, देखो विल हैव आ रहा है मतलब विल ऑलरेडी आ रहा है प्लस हैव आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे परफेक्ट है कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय द टाइम, अगर अपने को इसको कन्वर्ट करना है तो योर, योर के बाद अल्टीरियर हो गया, योर अल्टीरियर हो गया ऑब्जेक्ट, मोटिव विल हैव बीन, विल हो गया आपने यहाँ पे, विल हैव तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और बीन अपन लगाते हैं परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, अंडरस्टूड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाय हिम बाय दैट टाइम, ठीक है। फॉर देखिए द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इम्पार्शियली बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी, अब सबसे पहली बात तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें द मैटर, तो द मैटर आ जाएगा, ठीक है। हैड है पास्ट का है, मतलब क्या हो जाएगा पास्ट ही अपन को इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैड बीन आ जाएगा, फिर इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर इनटू बाय द कमिटी इम्पार्शियली बिफोर इट फाउंड हिम गिल्टी, इसको अपन टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये इसके बाद वाला सेंटेंस क्या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आप समझे क्या होगा इसके अंदर, कि अगर अपने को परफेक्ट जो टेंस वाले सेंटेंसेस है उनको अपने को चेंज करना है किसमें, पैसिव में, तो उसमें ऑलरेडी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी एक्टिव वॉइस में भी, किसमें एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में भी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, बट अपन उसमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे प्लस बीन एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। ये लाइन देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है, देखो फिक्स प्रीपोजिशन फिक्स है, जैसे आपने यहां देखा
और पहले भी आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये फिक्स पोजिशन जहां भी ये आएगा वहां आपको लगाना ही है। जैसे नॉन के बाद हमेशा टू लगना चाहिए, सरप्राइज के बाद हमेशा एट होता है, अमेज्ड के बाद एट होता है, एस्टोनिस्ट के बाद एट होता है, स्टार्टल्ड के बाद एट होता है, वेक्स्ड के बाद एट होता है, अनॉयड के बाद विद समबडी। अगर आप किसी से अनॉयड हैं तो क्या होगा, समबडी होगा, ठीक है। और किसी चीज से अनॉयड है तो एट आएगा, ठीक है। अगर किसी इंसान से परेशान है तो विद समबडी, और किसी चीज से परेशान है तो क्या आएगा, एट समबडी आएगा, ठीक है। ही इज अनॉयड एट बुक्स, तो एट आएगा, बुक्स आएगा। और अगर इंसान से कहें तो ही इज अनॉयड विथ आयान, तो किसी का अगर इंसान से है तो विथ आएगा, और अगर चीज से है तो एट आएगा। कंटेंट के बाद आता है इन, एम्बोडीड के बाद आता है इन, क्रैम्ड के बाद आता है विथ, डेकोरेटेड के बाद क्या आता है, विथ आता है, फिल्ड के साथ विथ आता है, और ऑर्नामेंटेड के साथ क्या आता है, विथ आता है, थ्रॉन्स के बाद विथ आता है, टायर्ड ऑफ और एंगर्ड इन। ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो आपको रटनी ही है कि इन वर्ड्स के बाद में ये जो डार्क जो प्रीपोजिशन है यही आएंगी, इनमें आपको कुछ भी अलग नया नहीं लगाना है। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, द फायर एंगल्फ द बिल्डिंग। अब यहां आपने देखा एंगल्फ के साथ क्या आता है, जैसे एंगल्फ कहां गया, ये रहा, तो एंगल्फ के बाद हमेशा इन यूज करना है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर देखेंगे द बिल्डिंग वॉज एंगल्फ इन द फायर, ठीक है, सॉरी ये गलत नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में है, अपने इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है तब भी क्या आएगा, इन ही आएगा, वैसे भी यहां गलत है, यहां पे क्या करना है अपने को, इन लगाना है, ठीक है। द बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स, इसको अगर अपन चेंज करें तो कंटेंट के बाद क्या आएगा, इन आएगा, 10 सिगार्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ही आएगी, समझ रहे हैं आप बात को। इन फिक्स पोजिशन को आप क्रैम कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, डेली यूज में लीजिए ताकि अभी क्या क्रैम हो जाए अच्छे से। अब अपन बात करेंगे आगे WH क्वेश्चंस की। WH क्वेश्चंस मतलब होते हैं कि वो सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है, वो सेंटेंस है जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, पहला जैसे एक्टिव वर्ब हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, तो ये मतलब परफेक्ट में है, ठीक है, ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में है, एक्टिव परफेक्ट है। अगर अपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करें, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाई यू, समझ में आया। इसको कैसे कन्वर्ट करना है अपने को, इनके साथ में क्या करना पड़ता है, अपने को ऐड करना पड़ता है डब्ल्यू एच वाला कोई भी वर्ड, मतलब व्हाट, व्हाई, हुम, व्हेन, व्हिच, वेयर, ये सब भी ऐड करना होता है किसमें, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे मैं देखिए अब इन यस नो क्वेश्चंस के पहले इंटरव्यू वर्ड जोड़कर देखें, जैसे व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो व्हाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, मतलब सिर्फ एक वाई ऐड कर दो और बाकी जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा ही नॉर्मल जो चेंज करते हैं अपन वैसा का वैसा ही चेंज होगा। तो सिर्फ इसमें चेंज इतना रहा कि अपने को जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, जो भी सुटेबल हो वो क्या यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। और बाकी जैसे आपने देखा यहाँ पर नॉर्मल होगा चेंज, तो एक्टिव टू पैसिव जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और उसके पहले अगर क्वेश्चन मार्क है तो अपन उसमें डब्ल्यू एच वाला कोई वर्ड लगा देंगे जो भी सुटेबल बैठ रहा है। किंतु हु या हुम आदि से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के पैसिव को देखें कैसे चेंज करते हैं, किसको, हु या हुम वाले को। एक्टिव में देखिए हु रोट द रामायण, ठीक है, हु रोट द रामायण, जहां हु से स्टार्ट हो रहा है। पैसिव क्या होगा इसका, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, हु को हमेशा किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाय हुम, फिर बाद में वॉज द रामायण रिटन, एक नॉर्मल जो अपने पास पहले मैनर था उसी में चेंज किया जाएगा। या फिर इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं, हु वॉज द रामायण रिटन बाय, लास्ट में बाय लेके भी आ सकते हैं अगर अपने को हु से चेंज करना है तो अपने को पता चल गया अगर हु वाले किसी सेंटेंस को चेंज करना है हु या हुम वाले को तो उसमें किस क्या लगाएंगे, हु की जगह लगाएंगे बाय हुम, ठीक है। अब देखिए इसने हुम वॉज द रामायण रिटन बाय कहना गलत होगा यहाँ पे। एक्टिव वर्ब नेक्स्ट बात करें हुम हैव यू इन्वाइटेड, तब हुम है तो हुम को कन्वर्ट कर देंगे अपन पैसे में हु के बाद अपने पास आ जाएगा वही सिंपल वर्ब, फिर उसके बाद में अपने आ जाएगी यहाँ पे बीन, थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट, समझा। तो पैसे उसमें क्या चेंज करेंगे, हुम को कर देंगे कन्वर्ट हुम में और हु को कर देंगे बाय हुम में। कोई डाउट इसमें हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना आप। नेक्स्ट अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है अपने इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले विद ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। शट द डोर, इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर जिसमें दिया जाता है, ठीक है,
या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है कि क्या कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो शट द डोर ये क्या हो गया, एक्टिव वर्ब हो गया। इसको चेंज करने का पहला मेथड क्या है, लेट द डोर बी शट। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसको आपको किसमें चेंज करना, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें, तो उसको अपन चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट में लिखेंगे लेट, लेट के बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा डोर, फिर इसके बाद आएगा बी और बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस चीज को आप क्रैम कर लीजिए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सेंटेंस लेट से, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा, लेट से, लेट के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इसको सेकंड वे में देखें कैसे चेंज करना है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, इसमें क्या फिक्स रहेगा, हमेशा पहले फिक्स रहेगा यू आर ऑर्डर्ड, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फॉरबिडन कह सकते हैं, एक्सेट्रा के बाद वही टू लगेगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद। इसमें देखिए पहला ऐसा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है पैसिव में चेंज करने पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो यहाँ की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है। सेकंड अपने पास अगर विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे गो अवे, तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे, पर इसको पैसिव में चेंज किया तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। अब इसका वो क्या है, फॉर्मेशन का मेथड क्या है, मैनर क्या है, देखिए यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर फॉरबिडन, ये चीज फिक्स है। इसके बाद वही मेथड वापस आएगा टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी वी वन लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी पैसिव में चेंज होने के बावजूद भी, ठीक है। थर्ड अगर आकर कोई मॉरल सजेशन है, मॉरल सजेशन देखिए जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर है तो इसका अपन करेंगे द पुअर, ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पे क्या है मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब हो जाएगा कंपल्सिफिकेशन सी बात हो जाएगी, मतलब करना ही है। तो यहां अपन स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, द पुअर, शुड, शुड बी, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो आपने एक चीज देखी जो ये वाला जो सेंटेंस है सिर्फ एक ऐसा है इसमें से पैसिव में चेंज करने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, बाकी हमेशा कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है अभी तक तो, ठीक है, यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब बात करते हैं अपन इन्फिनिटिव की, टू प्लस वी वन को क्या कहते हैं अपन हमेशा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, इन्फिनिटिव कहलाती है। जैसे एक्टिव में देखिए टू प्लस वी वन दिया हुआ है किसी सेंटेंस में, तो अपन उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर अपने उसको पैसिव में चेंज करना है किसको, एक ऐसे सेंटेंस को जो इन्फिनिटिव है, मतलब टू प्लस वी वन दिया हुआ है उसमें, तो अपन कर देंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देख सकिए आप आगे, जैसे एक्टिव है आई एम टू डू इट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, फर्स्ट पहले इट इज टू, इट इज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय मी सब्जेक्ट आ जाएगा, समझ गए। सेकंड देखिए पैसिव, यू आर टू राइट इट इन इंक, अब सबसे पहले क्या है इसमें अपन निकालेंगे ऑब्जेक्ट, तो राइट इट इन इंक, तो इट इज, ठीक है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी फिक्स है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इन इंक हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो इट इज टू बी रिटन इन इंक, नोट दिया हुआ है टू प्लस वी वन को पैसिव में टू प्लस बी प्लस वी थ्री में परिवर्तित कर देते हैं, पर यह हमेशा नहीं किया जा सकता। अगर टू प्लस वी वन को करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख टू प्लस वी वन से पहले हो चुका है तो टू प्लस वी वन को टू प्लस बी प्लस वी थ्री में परिवर्तित न करें। जैसे देखिए अगर अपन सब्जेक्ट को पहले से ही आ चुका है एक्टिव वर्ब में, देखिए द टीचर गेव मी ए बुक टू रीड, क्या सब्जेक्ट इसमें देखो पहले से ही आ गया द टीचर, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो इसमें क्या था, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था पहले, आई एम टू डू इट, यू आर टू राइट इट इन इंक, ठीक है, बट जो मेन सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो मेन सब्जेक्ट इसमें क्या पहले ही आ चुका है, तो इसको अपन इस फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते, इसको फिर अपने को नॉर्मल फॉर्मेट लगाना है, आई वॉज गिवन ए बुक टू रीड बाय माई टीचर, कैसे आई आ गया इसमें सब्जेक्ट, है ना, मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई वॉज पास्ट है क्योंकि गेव था इसलिए पास्ट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गिवन ए बुक टू रीड, फिर इज नॉर्मल है ही है टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास हैज हैव हैड के साथ, अगर टू प्लस वी वन दिया हुआ है किसके साथ, हैज हैव और हैड के साथ अगर इन्फिनेटिव दिया हुआ है, क्या टू प्लस वी वन दिया हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं देखिए, इसको एक्टिव वर्ब में दिया हुआ है अपने को पहले सब्जेक्ट दिया हुआ होता है एक्टिव वर्ब में, उसके बाद में ये वाली कंडीशन अगर लागू हो तो सब हैज हैव हैड में से कोई एक टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वर्ब में सबसे पहले अपन लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा श्योर है, पैसिव वर्ब में हमेशा पहले ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद हैज हैव हैड में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी,
फिक्स है कि अगर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद में बाई सब्जेक्ट आएगा। जो ये वाला जो पैटर्न है वही यहाँ पे भी फॉलो होगा, बस मिड में फॉलो होगा। इसके पहले हैज हैव हैड अपने को एज ए हेल्पिंग वर्ब लगानी है, समझ गया। वही है यहाँ पे टू प्लस वी वन को चेंज करना है किसके अंदर, टू प्लस बी प्लस वी थ्री में चेंज करना है, और उसके पहले हैज हैव या हैड में से कुछ ऐड करना है, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया अपने हेल्पिंग वर्ब, टू टू है ही, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, दिस वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन क्या लेंगे, पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या है दिस वर्ब, दिस वर्ब का ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो दिस वर्ब का सिंगुलर है इसलिए हैज, हैज के बाद आएगा टू प्लस बी प्लस बी थ्री, हैज टू बी फिनिश्ड, फिनिश क्या हो जाएगा फिनिश्ड, और बाय मी, समझे आप बात को। सबसे पहले क्या पैटर्न फॉलो होगा इसमें, ऑब्जेक्ट आएगा, हैज हैव हैड आएगा, प्लस वही पैटर्न फॉलो हो जाएगा फिर जो कि इन्फिनिटिव के लिए फॉलो करता है अपन, टू प्लस बी प्लस वी थ्री और फिर बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट है अपने जब ऐसी वर्ब्स दी हुई हैं तो उनमें कैसे अपन इसको पैसिव में चेंज करेंगे, लेट बिड हेल्प और मेक, अगर ये वर्ब्स दी हुई है किसी सेंटेंस में तो अपन उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं इसको, वर्ब उनमें से लेट बिड हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट इन्फिनेटिव बिना टू के, डायरेक्ट इन्फिनेटिव तो टू का यूज होगा और इनडायरेक्ट इन्फिनेटिव तो बिना टू के यूज होता है। जैसे She let me go, यहां आप ये नहीं बोल सकते कि she let me to go, ये कहना क्या होगा यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, I bade him leave the room, यहां भी टू नहीं आया, ठीक है, I bade him to leave the room नहीं आया, मतलब टू यहां नहीं लगाना है। They must help me finish the work, यहां पे भी टू नहीं है, और I made him wash all the clothes, यहां पे भी टू नहीं है, मतलब इसको डायरेक्ट इन्फिनेटिव करना है अपने को, समझ गया। बिड हेल्प और मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ होगा। अब देखो यहाँ ये एक्टिव वॉइस में यहाँ पे टू का यूज अपन नहीं कर रहे थे, किसका टू का यूज नहीं कर रहे थे, बट अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है अपने को तो अपन टू का यूज करेंगे ही करेंगे। अब देखो ये वाला सेंटेंस है, सेकेंड जो सेंटेंस है इसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बोलेंगे आई बेड हिम, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा हिम, हिम से हो गया ही वॉज, पास्ट स्लिप वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू लीव द रूम बाय मी, देखो टू यहां पे आ गया। तो मतलब क्या होता है, इन सेंटेंस में एक्टिव में अपन कभी भी क्या यूज नहीं करते हैं, टू यूज नहीं करते हैं, बट अगर जब अपने को पैसिव में काम लेना है तो अपन उसमें टू यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क, दे इस वाले सेंटेंस का ये पैसिव है, देखिए आई यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट, मस्ट हो गया यहां पे मॉडल, बी हो गया, अगर मॉडल आता है तो बी आता है, हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू फिनिश द वर्क अकॉर्डिंग टू टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स, यहाँ पे हिम हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ही, पास्ट टेंस लिए वॉश, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास लेट का प्रयोग वाक्य में अलग अलग अर्थ में हो सकता है, पैसिव में भी उसी प्रकार, देखो यहाँ पे सिर्फ तीन सेंटेंस ने ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, यहाँ लेट वाला नहीं है, क्योंकि लेट को चेंज करने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, वो कैसे कैसे होंगे देखते हैं सर। जैसे लेट मी प्ले, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अनुमति मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, आई मी का आई मी और मे आई मे बी अलाउड टू प्ले, यहाँ पर ने किसका यूज किया है, मॉडल का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, लेट हिम डू हिज दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे अपन एक नॉर्मल किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट अपन यूज कर लिया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे चेंज हो गया, जैसा कि रूल है टेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड अपने लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, सलाह है वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, क्या करना है, ऑर्गेनाइज ए पार्टी, तो ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, ये नॉर्मल पैटर्न है चेंज करने का। नेक्स्ट अपने लेट अस हेल्प द पुअर, मतलब नैतिक सलाह दे रहे हैं किसी को, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा शुड आता है, जब भी अपने को किसी ऑब्लिगेशन या फिर अपन परफेक्ट बात करें तो वहां क्या आएगा, हमेशा शुड आएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बी आएगा क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है इसलिए, ठीक है, और मॉडल यूज कर रहे हैं अपन, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे बी यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, मतलब ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। जैसे देखिए, रोज स्मेल्स स्वीट, एक्टिव में है, नॉर्मल है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इनको चेंज करने का एक अलग ही तरीका है, देखिए इसमें पैसिव क्या बनाया इसने, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, तरीका देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट रखेंगे हमेशा,
ये एक ऐसा ओनली पैसिव है जिसमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आ रहा है वापस, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, ठीक है। तो इज आएगा, रोज क्या है सिंगुलर यूज करा तो इज आ गया। एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव क्या है हमें स्वीट, और लास्ट में अपन क्या करेंगे वैन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोज इज स्वीट वैन इट इज स्मेल्ट। कब है स्मेल्ट, कब है वो स्वीट, जब हम उसको सूंघ रहे हैं, स्मेल्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्विनिन टेस्ट्स बिटर, क्विनिन अपने को अपन ने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट है, इसलिए इज हो गया, यहाँ पे अपने वर्ब आ गई, ठीक है, इज वर्ब आ गई। एडजेक्टिव आ गया बिटर, वैन आ गया वैन, प्रोनाउन हो गया क्विनिन के लिए यूज किया अपने इट, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि क्विनिन सिंगुलर यूज कर रहा है, और वर्ब भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेस्टेड, समझा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इस पैटर्न को आप बिल्कुल क्रैम कर लीजिएगा कि कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस वैन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जांपल, दोज मैंगोज टेस्टेड सोर, एक्टिव है वही पैटर्न, इसमें अपन पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले लेंगे, दोज का दोज, वर्ब यहाँ पे है नहीं, मैंगोज आ गया यहाँ पे, ठीक है। टेस्टेड वर्ब क्या हो गया सोर, वैन दे वर और टेस्टेड, ठीक है। इसमें हल्का सा पैटर्न चेंज है बट पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट इसी से बनेगा, किसी से इस पैटर्न से ही बनेगा। तो ये अब तक का इसमें पूरा मैटर था, और अपन इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको रूल्स अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि व्हाट अम्यूज्ड यू, ठीक है। पहली बात आप इसमें टेंस चेक करेंगे, तो टेंस इसमें पास्ट, इतना तो आप श्योर हो गए, ठीक है। तो अब अपन इन दोनों सेंटेंस में देखो, व्हाट यू आर, आर आ रहा है मतलब प्रेजेंट का है तो ये तो कट गया, बाय व्हाट आर ये भी कट गया क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट टेंस का और सेंटेंस है पास्ट का, तो पास्ट किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट में चेंज होगा। अब यहां पे देखिए इस सेंटेंस में देखिए, बाय व्हाट वर यू अमेज्ड, वर किसका होता है पास्ट का होता है, चलिए ठीक है। और कभी भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मार्क वाला है ये, तो बाय से स्टार्ट करेंगे अपन, बाय व्हाट वर पास्ट के लिए, यू अपने आ जाएगा इसका सब्जेक्ट और अम्यूज हो जाएगा अपने इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थ्री। बीन इसलिए नहीं आया है यहां पे क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्मोक एंड फ्लेम्स एंगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब देखिए पहले इसमें अपन क्या करेंगे, टेंस चेक करेंगे, टेंस कौन सा है इसका, तो स्मोक एंड फ्लेम्स एंगल्फ्ड द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस, तो ये सेंटेंस है अपने पास इसका पास्ट का, क्योंकि देखो एंगल्फ्ड एंड मेड, तो अपन इसको अगर कन्वर्ट करें तो स्टार्ट देखो द एरिया, अपन इसमें ऑब्जेक्ट स्टार्ट किससे करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट से, तो किसने किसको एंगल्फ किया, एरिया को एंगल्फ किया, तो द एरिया, ठीक है, एरिया से स्टार्ट होने वाले लेंगे। फिर होगा पास्ट, इसलिए वॉज एंगल्फ्ड, वॉज एंगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है। यहां तक ये सेंटेंस हैज बीन आ गया तो ये कट जाएगा, वॉज वाला अपन सेंटेंस ले रहे हैं, ये तीनों हो सकते हैं, वॉज एंगल्फ इन स्मोक स्मोक एंड फ्लेम्स। अब आगे देखिए एंड तक यहां तक सेम है ये तीनों सेंटेंस, एंड फ्लेम्स मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। अब क्या है, यहां आप पास्ट ले रहे हैं तो यहां पे आप प्रेजेंट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए एंगल्फ इन स्मोक, अगर इसके कारण क्या हुआ, मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, इसकी वजह से कुछ हुआ है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस में होगा, कोई काम इसके बाद में हुआ है, मतलब इस काम के होने के बाद ये काम हुआ है तो ये कंटिन्यूस में हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मेकिंग आएगा, ठीक है। क्यों आया मेकिंग, क्योंकि पहले काम ये हुआ फिर इसके बाद ये वाला काम हुआ है, इसलिए क्या कन्वर्ट करेंगे अपन इसको, मेकिंग में कन्वर्ट करेंगे, ना कि मेक या फिर मेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट क्या है, मी को कन्वर्ट करेंगे अपन आई, आई हो जाएगा, आस्क्ड है तो पास्ट हो जाएगा, तो आई ये तो कट ही गया क्योंकि आई से स्टार्ट नहीं है, आई वॉज आस्क्ड थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा, टू आता है, ठीक है, टू आ रहा है तो टू, तो ये वाला भी कट गया क्योंकि इसमें टू नहीं आ रहा है, ठीक है। टू फिनिश, फिनिश द वर्क इन टाइम, मतलब क्यों यहाँ पे फिनिश क्यों यूज नहीं किया अपन ने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अपन यूज कर चुके हैं पास्ट की फॉर्म को, मेन वर्ब यहाँ पे, तो इसको चेंज करना है ना कि इसको, इसलिए आंसर क्या हुआ, ये वाला हुआ। ये अपन ने भी थोड़ी देर पहले किया ही था, क्विनिन टेस्ट बेटर, तो क्या होता है, क्विनिन इज बेटर वैन इट इज टेस्टेड, क्योंकि जो रूल आपको बताया था थोड़ी देर पहले ये वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्विनिन इज बेटर वैन इट इज टेस्टेड, ठीक है।
नेक्स्ट अपने पास द विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट देखेंगे तो स्पेशल प्लेस है, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस स्पेशल प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, ये तीन चारों सेंटेंस स्पेशल प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब होल्ड है मतलब पास्ट है, तो क्या है, ए स्पेशल प्लेस वॉज, सॉरी हेल्ड यहाँ पे प्रेजेंट का ही होता है, होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है, तो हेल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है और होल्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो प्रेजेंट टेंस मतलब हो गया, वॉज वाला भी कट जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल प्लेस इज ठीक है, कंटिन्यूअस है क्या, ये कंटिन्यूअस नहीं है तो बीइंग हो नहीं सकता इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्यों कटा, क्योंकि इसमें वॉज है पास्ट है, इसलिए ये क्यों कटा, इसमें बीइंग है क्योंकि ये बीइंग से नहीं हो सकता, बीइंग कंटिन्यूस में यूज करते हैं और यहां तो कोई टेंस ही नहीं दे रखा इसने हेल्पिंग वर्ब में, तो ये कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसके अगर हम देखें तो क्या है, अकाउंटेंट टुक, टेक टुक टेकन, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में है ये, ठीक है, पास्ट में है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन इस, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द चेक, तो द चेक से स्टार्ट करेंगे, तो द चेक से तीन सेंटेंस स्टार्ट है, ये और ये नहीं है तो ये वैसे भी कट गया, ठीक है। अब इसको देखे द चेक इज तो पास्ट का है नहीं, प्रेजेंट का है, इसलिए अपन इसको भी हटा दिया। अब इसको देखते हैं द चेक वॉज टेकन, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, और यहाँ हेडविन है तो हेडविन तो कट जाएगा क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, रिफ्यूज हिम एडमिटेंस मतलब ऑलरेडी किसमें, पास्ट में, हिम है, हिम क्या हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हिम को लेंगे अपन ही, ठीक है, हिम को क्या लेंगे अपन, ही में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ही वॉज, ही हो गया पहले तो, फिर होगा वॉज क्योंकि पास्ट है इसलिए रिफ्यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, समय आपको बात, ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, क्यों हुआ, क्योंकि ही अपन ने लिया हिम से, वॉज लिया क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, वॉज के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडमिटेंस ऐसे कैसा जाएगा, बाय द गेट कीपर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर, देखो ये कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस में है मतलब इसको अपन किस में कैसे करेंगे, पैसिव कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो अब यहां पे कौन है, हो रहा है ऑब्जेक्ट, द पॉलिटिकल लीडर्स यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द पॉलिटिकल लीडर्स, तो पॉलिटिकल लीडर्स अपन स्टार्ट करेंगे, द पॉलिटिकल लीडर्स, अब क्या है ये प्लूरल हो गए तो, और पास्ट में है तो यहां क्या आएगा, वर आएगा, देखो वाज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर नहीं है ये, आर क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है और इस भी प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए नहीं आएगा, तो द पॉलिटिकल लीडर्स वर, और बीइंग आता है हमेशा कंटिन्यूस में, देखो इंटरव्यूइंग है तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरव्यूड बाय सोहन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, यहाँ पे हैव बिल्ट ऑलरेडी है मतलब ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है तो फिर क्या देखेंगे अपन, इसमें पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए परफेक्ट डैम, तो ए परफेक्ट डैम, ठीक है, फिर ये सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों में से आएगा मतलब, ठीक है, हैज बीन, क्यों बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये है परफेक्ट में, तो हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, समझ आई बात। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्वेश्चंस, नेक्स्ट अपने पास दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो यहां क्या है, अब किसके लिए आ रहा है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, अब यहां पे क्या शुड है, देखो शुड है तो फिक्स आएगा, शुड आएगा यहां पे, तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड, बी आता है हमेशा मॉडल के बाद में, शुड बी केयरफुली फॉलोड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई डैम आ जाएगा, ठीक है, समझे, तो इसमें क्यों हो गया अपने यहां पे ये, क्योंकि यहाँ पे ऑल द इंस्ट्रक्शंस हो गया, अगर मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल पहले आएगा, और कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें मॉडल दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, शट द डोर एंड लीव, इसको मैंने बताया था आपको, स्टार्ट करेंगे लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, तो यू आर ऑर्डर टू लीव हो जाएगा किसके लिए, लीव के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट अपने पास हु नोज यू, अब हु से स्टार्ट हो रहा था वो सेंटेंस, हमेशा किससे स्टार्ट होगा, बाय हुम से ही स्टार्ट होगा, तो बाय हुम से स्टार्ट कर सकते हैं अपन इसको, तो यहां पे ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो क्यों, क्योंकि यहां बाय हुम से भी स्टार्ट हो सकता है और टू हुम से भी स्टार्ट हो सकता है,
तो मैं यहाँ प्रेफरेंस दूंगा बाय होम को, तो बाय होम आर यू नोन, यहाँ आंसर अगर ये आया तो ये भी हो सकता है टू होम आर यू नोन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, तो यहाँ पे क्या है, ये एडवाइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो अपन इसका आंसर क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, यू आर एडवाइज, अपन क्या दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को हेल्प करना चाहिए, तो यहाँ पे यू आर एडवाइज से दो सेंटेंस है, ये और ये दो तो कट गए, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, और ये क्या कह रहा है, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, फॉरबिडन इसलिए लगाया है, मनाही ही है यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे, मनाही ही है कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, यहां तो ये यूज हो गया, बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट अपने पास वी आर टॉट इंग्लिश हियर, यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश इज टॉट हियर, आर है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सिंगुलर, और टॉट थर्ड फॉर्म होता ही है तो हियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास द न्यूज सरप्राइज्ड अस, मतलब क्या हो जाएगा, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, मतलब वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज बोल सकते हैं क्या, तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय ही यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सरप्राइज का फिक्स प्रोपोजिशन होता है बाय, ठीक है, किसी चीज से न्यूज से सरप्राइज हो रहे हैं हमेशा क्या यूज करना है, बाय यूज करना है, एट नहीं यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द वर्ल्ड कप, तो द वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, यहाँ पे द वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, द वर्ल्ड कप वॉज, क्योंकि पास्ट है इसलिए एक्सपेक्टेड से, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी वॉन बाय स्पेन हो जाएगा, ठीक है, ये हो रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपन स्टार्ट करेंगे यहां से इसको, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट ली है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, अगर अपन देखें इसको 17 जो ये क्वेश्चन है, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, तो आफ्टर टेकिंग मतलब कंटिन्यूस टेंस का है, देखो, तो आफ्टर बींग टेकन, बींग क्यों लग गया, क्योंकि कंटिन्यूस में है, आफ्टर बींग टेकन टू द हॉस्पिटल, फिर यहां पे नेक्स्ट इसके बारे में बता रहे, शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर बाय मी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर बाय मी, तो ये थे इसमें कुछ क्वेश्चंस एंड इसकी थ्योरी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो उसको जरूर पोस्ट कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, थैंक यू।